दोस्तों इंडिया में 20,000 के नीचे और किसी फोन के बारे में बात किया जाए जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिले तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे Realme X का नाम सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एक फ़ोन काफ़ी कमाल का चाइना में लॉन्च हो गया है जिसका नाम है ऑनर 9X। जी दोस्तों मैं इसी फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें आपको काफ़ी कमाल के फीचर देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस फोन का प्राइस काफ़ी धांसू रखा है कंपनी ने। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इंडिया में Realme X लेना चाहिए या वेट करना चाहिए ऑनर के 9X का। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोनों फोन का फुल कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए, किसमें दोस्तों आपको अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा, कौन सा फोन गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो Realme X का डिजाइन बैक साइड में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, इसमें आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिलेगा जो कि देखने में फोन काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलेगी, इसमें आपको ग्लास देखने को बाइक साइड में नहीं मिलेगा। बात करते हैं ऑनर के 9X का, तो इसका भी डिजाइन दोस्तों बाइक साइड में काफी शानदार देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिलेगा जो कि देखने में ही फोन बहुत ही शानदार लग रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बाइक साइड में आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा ऑनर 9X के साथ में। दोस्तों ऑनर 9X में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जबकि Realme X में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सामने की तरफ में, तो दोनों ही फोन में आपको फुल व्यू की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, दोनों फोन में से किसी भी फोन में आपको नॉच देखने को नहीं मिलेगा। अगर डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो Realme X में आपको 6.53 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जबकि ऑनर 9X में आपको 6.59 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, इसमें आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास भी देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि डिजाइन और डिस्प्ले में दोनों ही फोन काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है ऑनर 9X का, बट दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले है काफी बेहतर देखने को मिल जाएगा Realme X का, क्योंकि इसमें आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों फोन के कैमरा के बारे में। तो Realme X में आपको बाइक साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 48+5 मेगापिक्सल का। जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें आपको सोनी का IMX586 सेंसर देखने को मिल जाएगा, और जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है आपको डेथ एनेबल करने के लिए रहेगा। वहीं दोस्तों 9X में भी आपको बाइक साइड में डुअल कैमरा ही देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 48+2 मेगापिक्सल का। लेकिन दोस्तों इसमें जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है इसमें कौन सा सेंसर यूज किया गया है यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें आपको सोनी का ही सेंसर देखने को मिलेगा जो कि IMX586 सेंसर हो सकता है, और जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है आपको डेथ एनेबल करने के लिए है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि बैक साइड में दोनों ही फोन में आपको कैमरा अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों Realme X में नाइटस्केप मोड देखने को मिलेगा जिससे आप लो लाइट में काफी अच्छी पिक्चर ले पाएंगे इस फोन से। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि Realme X का जो बैक कैमरा है थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेल्फी के बारे में, तो दोनों ही फोन में 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन Realme X का कैमरा में आपको अपर्चर 2.0 देखने को मिलेगा, जबकि ऑनर 9X का कैमरा में अपर्चर 2.2 देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि लो लाइट में आपको काफी बेहतर पिक्चर देखने को मिल जाएगा Realme X में। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि कैमरा के मामला में यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर होगा Realme X। अब बात करते हैं दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो Realme X में देखने को मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 10 नैनोमीटर से बना हुआ है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे रन करता है। वहीं आपको ऑनर के 9X में किरिन का 810 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे रन करता है, लेकिन ये 7 नैनोमीटर से बना हुआ है, तो कह सकते हैं कि काफी पावरफुल है आपको स्नैपड्रैगन के 710 से। दोस्तों दोनों ही फोन परफॉर्मेंस में आपको काफी अच्छे रहेंगे कोई शक नहीं है, लेकिन आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा ऑनर 9X में। दोस्तों इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे अगर आप इसमें गेम खेल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे हीट होने का बहुत ही कम चांस रहेगा। वहीं दोस्तों Realme X में भी आपको हाइपर बूस्ट 2.0 दिया गया है, तो कह सकते हैं कि ये भी फोन गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों जो ऑनर 9X में प्रोसेसर मिला है बहुत ही पावरफुल है, जो स्नैपड्रैगन का 730 है दोस्तों बताया जा रहा है कि उससे भी आपको पावरफुल है प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपको काफी कमाल का देखने को मिलेगा ऑनर 9X में। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन के रैम स्टोरेज के बारे में। तो Realme X में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो कि पहला है 4GB RAM 128GB मेमोरी और दूसरा है 8GB RAM 128GB मेमोरी, जबकि ऑनर 9X आपको चाइना में 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है जो कि पहला 4GB RAM 64GB मेमोरी, दूसरा है 6GB RAM 64GB मेमोरी और तीसरा है 6GB RAM 128GB मेमोरी। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि Realme X में आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, इसमें आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जबकि दोस्तों आपको ऑनर के 9X में हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा जिसमें आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं OS की, तो दोनों फोन एंड्रॉइड के 9.0 एमपी पे रन करेगा। अगर बैटरी की बात करते हैं तो 3765 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा Realme X में, साथ में आपको टाइप सी भी देखने को मिलेगा, और दोस्तों इसमें आपको वूक चार्ज 3 का सपोर्ट भी
मिलेगा और 20 वाट का वुक चार्जर भी देखने को मिल जाएगा आपको बॉक्स में। वहीं दोस्तों बात करते हैं ऑनर 9X में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh की बैटरी, इसमें भी आपको टाइप सी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फोन में फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है दोस्तों ये फोन इंडिया में लॉन्च हो तो हो सकता है कि उसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे बैटरी दोनों ही फोन में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे रियलमी एक्स में थोड़ा सा बैटरी कम देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है तो कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी भरपाई हो जाएगी। दोस्तों दोनों ही फोन में आपको 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलेगा, दोनों ही फोन आपको डुअल वोल्टी पे काम करेंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइस के बारे में, तो जो रियलमी एक्स का पहला वेरियंट है दोस्तों इसका प्राइस रखा है 16,999 रुपया और जो सेकंड वेरियंट है इसका प्राइस रखा है 19,999 रुपया। वहीं दोस्तों ऑनर 9X अभी फिलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है, अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बात करते हैं तो इसका जो बेस वेरियंट है आपको देखने को मिलेगा लगभग 14,000 रुपया में और इसका जो सेकंड वेरियंट है देखने को मिलेगा लगभग 16,000 रुपया में और इसका जो लास्ट वेरियंट है आपको देखने को मिल जाएगा 19,000 रुपया में। तो दोस्तों इस फोन का जो प्राइस है काफी अच्छा रखा है कंपनी ने। अब बात करते हैं इस फोन को वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों मुझे चार रीजन ऐसा लगा जिसके चलते इस फोन को आपको वेट करना चाहिए। पहला इस फोन का बिल्ड क्वालिटी, जी दोस्तों इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। और दूसरा है दोस्तों इस फोन का प्रोसेसर, जी दोस्तों इसमें आपको प्रोसेसर भी काफी पावरफुल मिल रहा है। और तीसरा इसमें आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन जो कि आप रियलमी एक्स में नहीं लगा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के अंतिम रीजन की, तो दोस्तों यह इस फोन का प्राइस, जी दोस्तों इसका जो प्राइस रहेगा इंडिया में वो भी काफी शानदार रहेगा। बताया जा रहा है कि जिस प्राइस में फोन चाइना में लॉन्च हुआ है लगभग उसी प्राइस में आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस फोन को आपको वेट करना चाहिए। हालांकि दोस्तों रियलमी एक्स भी बहुत ही शानदार फोन है, इसमें आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसका जो कैमरा है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप चाहें तो रियलमी एक्स को भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही फोन है। लेकिन दोस्तों मुझे फिर भी लग रहा है कि आपको ऑनर के 9X का वेट करना चाहिए। आपको दोस्तों क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके जो बताइएगा। क्या दोस्तों आप इस फोन को वेट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।